में मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच ये बड़ी खबर है। अशोक गहलोत कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष के पास, जो इस मामले से जुड़ी और हमें खबरें दे रहे हैं। आशीष, अशोक गहलोत आज सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं और साथ ही लॉबिंग भी तेज हो गई है, चाहे वो सचिन पायलट का कैंप हो, चाहे खुद अशोक गहलोत के अपने लोग हो कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले। क्या खबर आ रही है? देखिए, ये पूरी कवायद आप ठीक कह रही हैं, एक्सरसाइज है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सामंजस्य बिठाने की। उपचुनाव में जो अभी नतीजों में जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत को भरोसे में लेकर के ही केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ना चाहता है। और जो हमारे सोर्सेज ने जानकारी दी उसके मुताबिक श्रीन अगले हफ्ते तक कैबिनेट रिशफल हो जाना चाहिए, जो कि काफी समय से पेंडिंग था। और निश्चित तौर पर इस बात का केंद्रीय नेतृत्व पर सचिन पायलट का दबाव भी है। वो कल भी दिल्ली पहुंचे थे प्रियंका गांधी और जनरल ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की। कल ही शाम अशोक गहलोत भी मिले प्रियंका गांधी से, तो कहीं ना कहीं ये दबाव है कि वो चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार में अकोमोडेट किया जाए। और उसी के लिए आप ये कह सकते हैं कि लास्ट मिनट फाइनलाइज करने के लिए बैठकें चल रही हैं, जिस सिलसिले में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। ठीक है आशीष, इस मुलाकात में क्या कुछ फैसले होते हैं आपसे जरूर शेयर करेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।